दोस्तों, सुबह सुबह हम जल्दी आ चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कमर्शियली डोसे इडली के साथ मिलने वाली सांभर कैसे बनती है, इतना टेस्ट कैसे आता है, उसके अंदर क्या क्या ऐड किया जाता है। तो आज सब कुछ बताएंगे सांभर की वीडियो के लिए, तो वीडियो को पूरा देखते रहे, आपको पूरी विधि आज हम आप बताने वाले हैं। सांभर के लिए यहाँ पर लिया है टमाटर कट करके लिया है, प्याज है और इसके अंदर लिया है हमने लौकी, इसमें डाल ये लाल मिर्च, इनको एक एक इंच का साइज का कट करके लेना है, लाल वाला सूखा मिर्च सांभर में, सांभर के लिए। यहाँ पर बड़ा भगोना रख दिया है तड़का लगाने के लिए सांभर को, ऑयल, सबसे पहले सरसों ऐड करना है, जीरा, यहाँ पर लिया है कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, मिर्ची, कड़ी पत्ता, सरसों और जीरा अच्छे से थोड़ा पकने दें, अच्छे से फ्राई करें, उसके बाद इसके अंदर कट किया हुआ टमाटर, प्याज और कद्दू ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से पकाना, अच्छे से फ्राई होने देना। अभी इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, नमक यहाँ पर बड़ी बड़ा वाला नमक डालते हैं, बारीक पिसा हुआ नहीं, और थोड़ा सा पानी, यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं हम चीनी, यहाँ पर दोस्तों ये है सांभर मसाला, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या ऐड होता है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है साबुत चने की दाल, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और बारीक चावल, इन सबको पीस कर तैयार किया जाता है और सांभर मसाला ऐड किया जाता है, इन सबको पीस कर तैयार किया जाता है इस वाली मशीन में, ये जो मशीन है इसके अंदर डालकर पीसने से बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार होता है। अभी इसके अंदर इडली और डोसे की चटनी तैयार हो रही है और अभी हम सांभर वाला मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जो लाल मिर्च है एकदम बढ़िया लाल हो गई है, काली पड़ गई है और अब देखिए सांभर मसाला है इसके अंदर ऐड करते हैं, और सांभर मसाला कैसे तैयार करना है और इसके अंदर क्या क्या सामग्री ऐड होती है मैंने बता दी है, फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। अब इसके अंदर पानी ऐड होगा, पानी इसके अंदर डाल दिया है दोस्तों 3 से 4 बाल्टी भरकर, क्योंकि सांभर
जो बंडी साइड जो रोड साइड में जो डोसे वगैरह मिलते हैं उनकी सांभर बहुत ही बढ़िया टेस्टी होती है और बहुत ही पतली होती है। पतली होने का रीज़न ये है कि ये बहुत ही खाने में टेस्टी होती है, इसका मसाला बहुत अच्छा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इतना पूरा भगोना भर दिया है। अब इस सांभर को अच्छे से फ्राई पकने देंगे अच्छे से उबाल आने तक। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं दोस्तों कसूरी मेथी और हींग। और इसमें ऐड करेंगे हम हींग, एलजी का हींग है, हींग ऐड करें। और यहीं पर हम ऐड करें दोस्तों सांभर मसाला। अब इसको अच्छे से उबाल आने तक पकने देंगे। सांभर देखिए अभी अच्छे से उबाल आई है और देख सकते हैं कलर भी हल्का सा चेंज हुआ है। और यहाँ पर अभी मामू टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो सांभर रेडी हो चुकी है दोस्तों। इसको पकने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगा है। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ पर डोसे के लिए सामग्री तैयार हो रही है, डोसे का बैटर सब रेडी हो रहा है। डोसे की और इडली की वीडियो मैंने पहले ही बता दी है, सांभर की वीडियो भी रेडी हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए कमर्शियली चटनी कैसे बनाते हैं उसकी बनाएंगे। तो यहाँ पर सांभर पूरी बनकर तैयार, अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये अपनी शॉप पर लेके जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म सांभर की वीडियो आपके लिए हमने बना दी दोस्तों। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगली वीडियो हम आपके लिए इसकी इसी तरह बनने वाली कमर्शियली चटनी की लेके आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और अपना प्यार देते रहे और वीडियो को शेयर करते रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते रहेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।